इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। दमकल की आधा दर्जन गाड़ी रात्रि से आग बुझाने में लगातार बढ़ती जा रही है। आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल, लोगों ने घरों को किया खाली। घटना बोहरा चौराहे की कपड़ा व्यापारी का, करोड़ों का नुकसान। दो गोदाम में लगी भीषण आग, गुना जिले में बोहरा मस्जिद के सामने विकास जैन की दो गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी में बताया गया कि विकास जैन का कपड़े का शोरूम था, जिसमें बीती रात लगभग 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इसकी जानकारी शासन प्रशासन को मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया, जिससे आसपास कॉलोनी में रहने वाले दुर्घटना से बच सके। घटना इतनी भयानक थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल था। कितने बजे हुआ? लगभग 12:30 बजे। और इसमें नुकसान कितना हुआ? 10 करोड़ का। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।